अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में जो आपसे बात करूंगा वो स्पेशली नेक्स्ट 6 वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वीक की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ ऐसे है, यानी कि 5 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक पाकिस्तान भर में मौसम किस तरह का होगा, इसके बाद जो है 12 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक किस तरह का होने वाला है मौसम, और फिर जो है 19 अप्रैल से 26 अप्रैल की, फिर 26 अप्रैल से 3 मई की, फिर 3 से 10 मई और 10 मई से 17 मई तक की वेदर अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आने वाले दिनों में इन 6 हफ्तों के दौरान पाकिस्तान भर में मौसम किस तरह का रहेगा। तो इसमें जो आप लोगों को एक चीज नोट करानी है, खास तौर पे 12 से 19 अप्रैल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 12 से जो 19 अप्रैल तक का जो मौसम है वो थोड़ा सा क्रिटिकल ज्यादा है, उसकी जो वेदर की अपडेट होगी स्पेशली कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनशाला आप लोगों को वो भी शेयर कर दूंगा आने वाले दिनों में। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आने वाले दिनों में अगले 6 हफ्ते मौसम किस तरह का होगा। रिक्वेस्ट एक और ये है कि अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आप लोगों को गाइड करूं, खास तौर पे 5 अप्रैल से 12 अप्रैल तक किस तरह का मौसम होगा। तो 5 अप्रैल से 12 अप्रैल तक को जो मौसम होगा वो ओवरऑल पाकिस्तान में जो है काफी हद तक खुश्क मौसम होगा, ड्राई वेदर होगा। लोकल डेवलपमेंट जो है आप लोगों को कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है, लेकिन जो रेन एक्टिविटी है वो स्पेशली जो होगी नॉर्दर्न एरियाज के ऊपर होगी, लेकिन कोई हैवी रेन के चांसेस नहीं है क्योंकि काफी हद तक जो है मौसम क्लियर होगा, जिसकी वजह से जो है गर्मी की शिद्दत में इजाफा आप लोगों को देखने को मिलेगा। खुसूसन कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने आप लोगों को कल गाइड किया था कि गर्मी जो है 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आप लोगों को गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने को मिलेगा, फिर 12 तारीख की शाम और रात से जो है वो 1 WD जो है पाकिस्तान भर में बारिशों का बाइस बनेगा, और ये रेन जो होगी खास तौर पे 12 से 19 अप्रैल के दौरान तक जो है ऑफ एंड ऑन बारिश आप लोगों को देखने को मिलेगी, और ये डेज जो होंगे कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होंगे, कराची में भी जो रेन है वो आप लोगों को मिल जाएगी इन्हीं डेज के दौरान। तो कराची वालों को ये गाइड कर दूं कि 13 से 14 या मैक्सिमम 15 तारीख तक आप लोगों को रेन एक्टिविटी कराची में मिलेगी। इसके अलावा जो है रेन एक्टिविटी आप लोगों को कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है 18 या 19 तारीख को भी देखने को मिल जाएगी। तो 12 से 19 अप्रैल वाला वेदर जो होगा, यानी कि इस वक्त जो सिस्टम आएगा WD, ये काफी ज्यादा पावरफुल है और काफी ज्यादा बारिश जो है, खास तौर पे अगर बात करूँ नॉर्दर्न एरियाज की, तो जो सयाती मुकामात हैं यहाँ पे हैवी रेन के चांसेस हैं, इवन हेल स्ट्रॉन्ग के भी काफी अच्छे चांसेस हैं। इसके अलावा KPK के इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों पर स्नोफॉल भी होगा, इससे बलूचिस्तान में जो है क्वेटा, कुसदार, कल्लात, लसबेला वगैरह, औरान, नौकुंडी वगैरह तक बारिश के चांसेस हैं। इसके अलावा जो बलूचिस्तान की साइडी पट्टी है यहाँ पे भी रेन के अच्छे चांसेस होंगे, खूसन तोरबत, उमवारा, पस्नी, जीवानी, गवादर वगैरह में भी रेन के चांसेस होंगे इस ड्यूरेशन के दौरान। तो बलूचिस्तान में जो है ऑफ एंड ऑन रेन होती रहेगी। पंजाब की अगर बात करूँ तो पंजाब में खुत्ते पोटोहार के इलाके भी शामिल होंगे, इसके अलावा लाहौर वगैरह में भी काफ़ी अच्छी रेन आप लोगों को देखने को मिलेगी, वस्ती पंजाब में भी काफ़ी अच्छी रेन के चांसेस हैं, इंक्लूडिंग जनूबी पंजाब में भी आप लोगों को इस ड्यूरेशन के अंदर जो है ऑफ एंड ऑन रेन देखने को मिलेगी। खुसूसन आप लोग भावरपुल वगैरह से पूछते हैं तो भावरपुल, मुल्तान वगैरह में भी और स्पेशली लोधरा वगैरह में भी आप लोगों को इस ड्यूरेशन में जो है, यानी कि 12 से 19 अप्रैल के दौरान रेन देखने को मिलेगी। जहां तक सिंध के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर गाइड करूं तो सिंध में जो है बलाई सिंध, वस्ती सिंध और स्पेशली जो है मशरकी सिंध की पट्टी, थरपारकर, नगर वारकर में भी रेन एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ये गाइड कर दूं कि रेन कितनी मकदार की होगी, तेज बारिश होगी या हैवी रेन होगी, तो इसके बारे में जो है फर्दर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के ऊपर अपडेट कर दूंगा, लेकिन कराची में जो चांसेस हैं वो अच्छे हैं
और हिल स्टॉर्म जो है, जो ज्यादा बारी हो पंजाब के इलाके में, काफी ज्यादा ज्यादा बारी के चांसेस होंगे, और स्पेशली बलाई सिंध में। तो ये हो गई 12 से 19 अप्रैल तक के मौसम की पेशेनगोई। और इसके अलावा जो है 19 के बाद से 26 अप्रैल तक जो होगा, जो रेन एक्टिविटी होगी वो फिर केपी के और पंजाब के अपर एरियाज तक महदूद हो जाएगी। और पंजाब के एरिया में और केपी के एरिया में जो है रेन एक्टिविटी कंटिन्यू करेगी, क्योंकि एक और सिस्टम जो है वो फिर इस ड्यूरेशन में भी जो है बारिश का बायस बनेगा। तो बाकी हद तक जो होगा मौसम ज्यादातर जो होगा सिंध और बलूचिस्तान में, बहुत मौसम जो होगा काफी हद तक क्लियर होगा। लेकिन जो 26 से 3 मई के दौरान है, रेन एक्टिविटी जो कंटिन्यू करेगी वो पंजाब में अच्छे चांसेस हैं, खासतौर पे बलाई पंजाब में, बस्ती पंजाब में भी चांसेस हैं। और जो आप लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ कि लोकल डेवलपमेंट के चांसेस जो है वो मौजूद रहते हैं, और उसके बारे में जो होता है कोई भी मॉडल्स प्रिडिक्ट नहीं करता, वो लोकली लोकलाइज एरिया के ऊपर डेवलपमेंट होती है जिसकी वजह से बारिश होती है। लेकिन लोकल डेवलपमेंट की एक चीज बताऊं कि जब मैक्सिमम टेम्परेचर जब 40 डिग्री से अबव हो रहे होते हैं या 40 डिग्री, तो लोकल डेवलपमेंट के चांसेस उस ड्यूरेशन में जो होते हैं ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा जो बात करूं आप लोगों से 3 मई से लेकर 10 मई तक की, तो 3 मई से लेकर 10 मई तक के भी जो है रेन के चांसेस हैं, यानी कि मई के महीने में भी रेन के, खास तौर पे केपी के पंजाब में ज्यादा बारिश होने के चांसेस हैं, स्पेशली अपर पंजाब में। सिंध की जो है मशरकी पट्टी, यहाँ पे अच्छे चांसेस हैं रेन के। बाकी जो है सिंध का ज्यादातर इलाका, खुसूसन कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो WD से तो कोई खातिर खा बारिश होगी नहीं, लेकिन जो बलूचिस्तान के, वस्ती बलूचिस्तान के इलाके हैं, इन एरियाज में रेन के चांसेस जो होंगे वो मौजूद होंगे। जबकि 10 से 17 मई के दौरान जो है रेन एक्टिविटी जो कंटिन्यू रहेगी वो खास तौर पे KPK के एरिया में, गिलगित वगैरह में, कश्मीर में, पंजाब के अपर इलाकों में, यानी कि जो खत्ता पोठोहार, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी वगैरह हैं, यहाँ पे जो है काफी अच्छे रेन के चांसेस जो होंगे वो मौजूद होंगे। इसके अलावा जो है ज्यादातर इलाकों में मौसम क्लियर होगा। तो ये है WD की फोरकास्ट, खास तौर पे पाकिस्तान में अगले 6 हफ्तों के दौरान किस तरीके से इलाकों को मुतासर करेंगे। और ये मैंने आप लोगों को जो है डेट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, तो इन डेट को आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना, इसलिए मैंने जो है आप लोगों को वीक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपडेट शेयर किया है। जहां तक गर्मी की बात है, तो गर्मी देखें, जो कि मैंने पहले भी कहा था कि आप लोगों को गर्मी की शिद्दत जो है वो ज्यादा बढ़ेगी, और ये जो है गर्मी स्पेशली अप्रैल और मई के महीने में ज्यादा होगी, खसूसन सिंध के इलाकों में और पंजाब के जनूबी इलाकों में, क्योंकि रेन एक्टिविटी जो है ऑफ एंड ऑन नॉर्दर्न एरियाज के ऊपर, KPK के ऊपर, और जो है खास तौर पे पंजाब के एरियाज में जो है वो कंटिन्यू करेगी, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा हाई नहीं होंगे। लेकिन जो सिंध के एरियाज हैं, सिंध के जो बलाई सिंध, वस्ती सिंध, मशरकी सिंध की पट्टी, साहिली इलाके और जुनूबी पंजाब के इलाके, ये जो है ये गर्मी की शिद्दत यहाँ पे जो है आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये थी पाकिस्तान के नेक्स्ट 6 वीक्स की फोरकास्ट। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आप लोगों को इस वे में भी जो है समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम ज्यादा लगा इसको स्केच आउट करने में। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक कर दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।